सीजर्स रेजर ट्रिमर और वैक्सिंग स्ट्रिप आर यू वॉन्डरिंग विच इज़ द सेफेस्ट मेथड टू रिमूव प्यूबिक है डाउन देअर वेल हाई माई नेम इज़ डॉक्टर मिताली राठौर आई एम कंसल्टेंट ऑक्सीटेशन एंड गाइनेकोलॉजिस्ट और आज के वीडियो में हम वन बाय वन सारी मेथड्स के बारे में बात करने वाले सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और सब्सक्राइब करना मत भूलना

उसको आप स्टरीलियम से या फिर uh, स्पेड से इजीली क्लीन कर पाओगे उसकी ब्लेड्स या फिर अगर, अगर आपको बॉइलिंग वाटर में उसको स्टरिलइज़ करना है देन दैट इज़ आल्सो गोइंग टू बी रियली रियली कन्वीनियंट अभी देखो इससे हेयर रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा आसान है सो इमेजिन दैट दिस इज गोइंग टू बी योर वल्वा सो यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम अ कोम्ब टू मेक हेयर रियली एक्सेसिबल एंड उसको आपको ऐसे ही इस तरीके से सिंपल से काट ही देना है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें फ़ायदे बहुत सारे ये है कि अच्छे से मिल जाएगी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है पॉकेट फ्रेंडली है इससे आपके पूरे के पूरे प्यूबिक हेयर नहीं निकलेंगे सो देयर आर स्टिल गोइंग टू बी वन टू टू सेंटीमीटर ऑफ लेंथ दैट इज़ गोइंग टू बी देर सो इससे फ़ायदा ये होगा कि पूरा स्किन को ऐसे घिससे घिस के नहीं जाएगी सो दैट इज़ वाई बम्प्स रेडनेस इचिंग उसके बाद शेव करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इचिंग ड्राई स्किन हो जाना वो सारी चीज़ें नहीं होंगी एंड अगर वो जो लोग उसको ऐसा प्रेफर करते हैं कि आपको क्लीन शेवी चाहिए देन दिस इज एंड फॉर यू बट रादर दिस हैज टू भी वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ रिमूविंग प्यूबिक हेयर डाउन दैर मूविंग ऑन विद सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज प्यूबिक हेयर रिमूवल मैथड हैज़ टू बी यूजेज ऑफ अ रेजर नाउ विथ रिगार्ड्स टू रेजर्स वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजर्स आर अवेलेबल

Now, with regards to using a razor for pubic hair removal method, of course, you have to use it and glide it over the vulva only. vulva is going to be the external part, the external two vertical lips and the mons pubis. Aap pe dekh rahe waise. So you just have to use it upwards towards the downwards from P hole to butt hole. Se ki taraf jana hai, and not in the reverse direction. अगर हेयर की रिवर्स डायरेक्शन में यूज़ करोगे तो उसकी वजह से इचिंग रैशेस, रेजर बम्प्स रेजर की वजह से इरिटेटेड स्किन हो जाना ये सारी चीज़ें रहती हैं सो या यू हैव टू यूज़ इट रियली रियली केयरफुली इसकी वजह से कभी कभी अगर प्रॉपर्ली स्टरिलइज रेजर नहीं है तो कुछ कुछ लोगों को स्किन रिलेटेड कंडीशंस भी हो सकती है नाउ अगेन देर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन कि इसको आपको वेट स्किन पे करना है ड्राई स्किन पे करना है शेव फॉर्म यूज़ करना है नहीं करना है सो यस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एज़ वेल

खुशबू तो चाहिए ही होती है सो so येस yes, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है बट दिस कुड लिटरली इरीटेट योर डेलीकेट थिन स्किन डाउन देयर एंड इट कुड मैस अराउंड विथ योर पी एच सो जहाँ तक हो सके इसको यूज़ नहीं करना है अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे तो करना ही पड़ेगा कुछ भी करके सो मेक श्योर कि आप नॉन सोपी नॉन फ्रेगरेंट जो शेविंग फॉर्म्स आते हैं वो आपको यूज़ करो If you are not very much happy with the shave foams, there are few brands who provide literally good quality of soap bars that are available. So I will make sure that i link them down in the description box for you. Now again, with regards to these substance, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको dry shave तो कभी करना ही नहीं है, that literally irritates the skin hell out of there. And the second thing is going to be, इसको अच्छी तरीके से आपको पानी में भिगोके वहाँ पे लादर करना है. only and only on the outer lips okay so imagine that these is going to be your vulva the internal canal is going to be your vagina so aapko isko bahar ki taraf hi hai and then you have to shave it from above down downwards just we have discussed so yeah the quality literally and really really matters third and most convenient method of pubic hair removal has to has to be has to be trimmers सो आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि ट्रिमर्स क्या होते हैं नाउ देर आर स्पेशल वराइटी ऑफ ट्रिमर्स फ्रॉम द कंपनी दैट इज़ वॉट वी कॉल एज ब्राउन दैट इज अवेलेबल दिस इज एंट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट ऑफकोर्स फिलिप्स ऑल्सो डज रियली रियली गुड सो आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच आर माई फेवरेट्स सो विथ रिगार्ड्स टू ट्रिमर्स एक फ़ायदा ये रहता है दैट यू हैव द मार्किंग्स एक्सटर्नल मार्किंग्स आर अवेलेबल हियर सो यू जस्ट हैव टू सेट इट डाउन और उसके हिसाब से आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से वो डियर क्लोज शेव दे सकता है आपको सो या दिस इज़ हंड्रेड एंड टेन परसेंट गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल बट अगेन वेन एवर यू आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डाउन देयर बी इट हेयर रिमूवल क्रीम्स और एनी लेट्स रेजर और सीजर्स और ट्रिमर्स यू हैव टू स्टरिलइज द ब्लेड कंप्लीटली आइदर विद स्टरिलइजर और अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन और बॉइलिंग और जस्ट पुटिंग इट इनसाइड द बॉइलिंग हॉट वाटर Moving on to fourth type of pubic hair removal method has to be waxing. आई नो आई नो बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है ये लेकिन सारी जो दर्दनाक और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है ना वो सारी औरतों से ही रखी जाती है बट इट इट हैज़ टू बी योर कॉल वेदर यू विश टू गेट इट डन और नॉट आई रिमेम्बर रिमूविंग माई बॉडी हेयर विथ दीज वैक्सिंग स्ट्रिप्स दैट यूज टू बी रियली रियली पेनफुल एंड माई स्किन पोर्स दैट वॉज लाइक रियली रियली एंग्री कि इतना ज़्यादा इरिटेशन ड्राई स्किन रैशेज आई रिमेंबर वंस आई गॉट फलिकुलाइटिस ऑल थ्रू आउट माई हैंड और फिर मुझे पता था आफ्टर फ्यू ईयर्स कि ये ना हमसे तो नहीं होने वाला है एंड सम हाउ आई डोंट नो हाउ एवरी सिंगल टाइम वेन आई यूज़ टू रिमूव माई बॉडी है यहाँ से यहाँ से एस्पेशली यहाँ से हमेशा मेरे फोर आम से ना जैसे ही वो खींचती थी वहाँ से ना खून निकलना स्टार्ट हो जाता था सो so, मुझे तो पता है दिस इज एन फॉर मी इफ दिस इज़ फॉर यू लेट वी नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स बिलो बट या as a doctor's point of view i think this waxing strips could really really damage your thin skin down there because a ki skin hai that is really going to be different from your regular body skin and b the epithelium the vaginal discharge every single thing can mess around with that liquid that a lady is going to pour it down there so i don't recommend this personally but you can let me know your thoughts in below and last but not the least that has to be laser hair removal now again as i am a gynaecologist may i pass machine vagera nahi hai, but as much as dermat are willing and they are a professionals and safe people to get that done i am sure you have to visit there once or twice to get all your doubts clear as far as i know the laser hair removal is very very safe convenient of course thoda price point view thoda sa zyada ho sakta hai, but that is going to be Around 80% of guaranteed hair removal. और जो सारे हेयज आएंगे बाद में दैट आर गोइंग टू बी वेरी वेरी थिन दैट इज़ वट वी कॉल एज विलस हेयर एंड नॉट द थिक कोर्स हेयर्स सो या दैट इज़ गोइंग टू बी हंड्रेड एंड टेन परसेंट योर कॉल वेदर यू विश टू गेट इट रिमूव और नॉट वैसे प्यूबिक हेयर रिमूवल की जो हिस्ट्री है ना वो भी बड़ी लंबी चौड़ी और बहुत ही फनी है आई टू हैव मेड दैट वीडियो सो मेक श्योर आप इसके बाद ये वाला वीडियो देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंड दिस इज़ अबाउट इट सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो और अगर अच्छा लगा है देन मेक श्योर यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली And I'll hope to see you in my next one for sure. Happy Sunday, have the best one. Bye.